हेती के राष्ट्रपति जुवेनेल मोइस की हत्या कर दी गई है। हेती के अंतरिम पीएम क्लाउड जोसेफ ने जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि जिस हमले में जुवेनेल मोइस की मौत हुई उसमें उनकी पत्नी घायल हो गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मंगलवार बुधवार की रात 1 बजे कुछ हमलावर राष्ट्रपति जुवेनेल मोइस के घर में घुसे और उन पर हमला कर दिया। खबरों की माने तो ये हमलावर इंग्लिश और स्पैनिश बोल रहे थे। उनके हमले में मोइस मारे गए, उनकी घायल पत्नी को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। इस हत्याकांड के बाद हेती की जनता को संबोधित करते हुए क्लाउड जोसेफ ने कहा कि अब वे देश के प्रभारी हैं। उन्होंने हेती की जनता से शांत रहने की अपील की है। क्लाउड ने पुलिस और सेना से जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है। अमेरिका ने इस हत्या को दहला देने वाली घटना बताते हुए इसकी निंदा की है। उसने कहा है कि वो इस हत्या को लेकर किसी भी तरह की जांच में सहयोग करने को तैयार है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जेन पस्की ने बयान देते हुए ये भी कहा कि उनका देश हेती की सरकार और वहां के लोगों की हर तरह की मदद करने को तैयार है। जेन ने कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन को जल्दी ही इस घटना के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। हेती में हिंसा की घटनाएं आम बात हैं। वहां से लगातार हिंसा की रिपोर्ट्स आती रहती हैं। हाल ही में राजधानी पोर्ट ओ प्रिंस में कई दिनों तक गैंग वॉर चला। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस साल जून का महीना पहले से भी ज्यादा हिंसक बीता है। बताया गया है कि केवल इसी महीने हुई गैंग वॉर के कारण राजधानी के 13,000 लोग बेघर हो गए। हेती भूकंप संभावित क्षेत्र में पड़ता है। बड़े भूकंपों के अलावा यहाँ विनाशकारी तूफान और बाढ़ भी आते रहते हैं। इनसे जान माल का काफी नुकसान होता है। पहले से अभावग्रस्त हेती के लिए ऐसी हर नई आपदा ज्यादा त्रासद साबित होती है। एक तरफ प्राकृतिक आपदाओं की मार और दूसरी तरफ देश की राजनीतिक अस्थिरता। हेती में तानाशाही का लंबा अतीत रहा है। 20वीं सदी के ज्यादातर हिस्से में यहां तख्ता पलट होते रहे। करप्शन और राजनीतिक उदासीनता के खिलाफ 1986 में बड़े स्तर पर प्रदर्शन हुए, मगर ये जन विरोध भी तख्ता पलट की परंपरा खत्म नहीं कर सका। समझिए कि पूरी 20वीं सदी इसी माहौल में बीत गई। हेती में राजनीतिक अस्थिरता और गरीबी यहाँ अराजकता पैदा करने की परफेक्ट रेसिपी साबित हुई। मजबूत राजनीतिक लीडरशिप के अभाव में देश के भीतर एक वैक्यूम बना। इसका फायदा उठाकर कई हिंसक गैंग्स बन गए थे। इन गिरोहों ने आपसी प्रतिद्वंदिता में खूब हिंसा की। हेती से आने वाली खबरों का जैसे कोई पैटर्न सेट हो गया। गैंग वॉर में हुई हिंसा, तख्ता पलट, जन विरोध, प्राकृतिक आपदा से हजारों की मौत, महामारी, कुपोषण, दशकों बीत गए मगर हेती से आने वाली खबरों का स्वभाव नहीं बदला। लंबी राजनीतिक उठापटक के बाद नवंबर 2016 में यहां चुनाव हुए थे। धांधली की आशंका के कारण विपक्ष ने इसका बहिष्कार किया। सिर्फ 21% लोग ही वोट डालने गए। इस कमजोर चुनाव में जीतकर फरवरी 2017 में हेती के राष्ट्रपति बने जुवेनेल मोइस। उन पर भी आरोप रहा कि वो भी देश की तानाशाही परंपरा को आगे बढ़ाने में लगे हुए थे। आपके लिए खबर लिखी हमारे साथी आदित्य ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।